आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मनाली में हंस कल्चरल सेंटर ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। शिविर में 500 लोगों को बांटी गई मुफ्त में दवाइयां। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा कैंप का किया गया आयोजन। श्रम कानून अधिकार के बारे में दी गई जानकारी। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां की पेश। स्कूल प्रधानाचार्य ने की छात्राओं की प्रशंसा। और बताएंगे आपको कैसे चलाएं दो व्हाट्सएप नंबर एक ड्यूल फोन पर। 80% लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का करते हैं इस्तेमाल। हंस कल्चरल सेंटर नई दिल्ली की ओर से मनाली के सिविल अस्पताल में 2 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। चिकित्सा शिविर के पहले दिन मनाली विधायक गोविंद ठाकुर ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की। वहीं इस कैंप में लगभग 500 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। विधायक गोविंद ठाकुर और इंटरनेशनल प्रेस क्लब मनाली के सहयोग से आयोजित शिविर का शुभारंभ करते हुए विधायक गोविंद ठाकुर ने कहा कि हंस कल्चर सेंटर ने मनु की नगरी मनाली में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बेहतरीन शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हंस कल्चरल सेंटर के साथ मिलकर घाटी में गरीब लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। सिविल अस्पताल मनाली में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से जिन जिन मरीजों को देखा जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उनका पूरा इलाज भी किया जाएगा। और उसके साथ ही आज अनेक विकलांगों को हमने व्हील चेयर्स भी भेंट की हैं, कुछ को बैसाखियाँ दे रहे हैं और कईयों को हियरिंग गेट का प्रावधान भी रखा गया है। जिन जिन को आवश्यकता होगी वो भी देंगे। और आने वाले समय में इस प्रकार के अनेक और भी मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता रहेगा। और हंस कल्चरल सेंटर के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि हम इस मनु की नगरी से अनेक नए विकास के आयाम खड़ा करेंगे। हंस कल्चरल सेंटर के प्रभारी परमेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध करवाना संस्थान की प्राथमिकता है। संस्थान का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण अपनी जान ना गंवाए और कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से महरूम ना रहे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वह संस्था से संपर्क कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। आज ये जो मेडिकल कैंप हंस कल्चरल सेंटर द्वारा माननीय विधायक जी के विशेष आग्रह पे और इंटरनेशनल प्रेस क्लब के विशेष आग्रह पे हमने ये लगाया। ये 2 दिवसीय कैंप है और अगर विधायक जी चाहेंगे, यहाँ की जनता चाहेगी, तो हर 2 महीने में हंस कल्चरल सेंटर माता भोली जी और माता मंगला जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कैंप लगाएंगे। प्रेस क्लब मनाली के अध्यक्ष राज अग्रवाल ने हंस कल्चरल सेंटर द्वारा मनाली में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन करने पर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग के लिए इस तरह का कार्य करने वाली संस्था का प्रेस क्लब हमेशा स्वागत करेगी। हंस फाउंडेशन कल्चर सोसाइटी द्वारा ये 2 दिवसीय मेडिकल प्री मेडिकल कैंप मनाली के सिविल अस्पताल में लगाया जा रहा है और मेरे साथ लक्ष्मण जी हैं, जिनसे हमने बहुत अनुरोध किया था और उन्होंने हमारे अनुरोध को माना और यहाँ पर ये 2 दिवसीय प्री मेडिकल जो कैंप यहाँ पर लगाया गया। और अभी आपने देखा भी कि एयर हीरिंग मशीन्स और हमारे आंखों के डॉक्टर भी आ चुके हैं यहाँ पर, और उसके बाद व्हील चेयर भी दी जा रही है और बैसाखियाँ भी दी जा रही है। एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के प्रति बहुत बढ़ चढ़ कर वो करते हैं और इस बार इन्होंने जो मेडिकल कैंप हमारे को दिया, इंटरनेशनल प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस हंस फाउंडेशन और भोले जी महाराज और मंगला माता जी का और इनके सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और हमारे माननीय विधायक गोविंद सिंह ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इनके अथक प्रयास से हम ये 2 दिवसीय जो यहाँ पर कार्यक्रम है, ये फ्री निःशुल्क जो चिकित्सा शिविर है उसको लगाने में सफल हुए हैं। आपको बता दें कि इस शिविर में कान नाक गले के अलावा
सामान्य रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ के 8 चिकित्सकों ने भाग लिया और शिविर के पहले दिन लगभग 20 लोगों को कान की मशीनें और व्हील चेयर और अपंग व्यक्तियों को बैसाखियां बांटी गई। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा टाना मंदिर परिसर में कैंप का आयोजन किया गया और लोगों को कानून से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। अधिक जानकारी देते हुए जिला विधिक प्राधिकरण के सदस्य ने बताया कि श्रम कानून अधिकार के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया है। वहीं टाना में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला न्याय एवं सत्र न्यायाधीश के शर्मा ने की। आज हमने एक कैंप जो है यहाँ पर टाना मंदिर में की जो सराय है वहाँ पर किया। ये तो वार्ड नंबर 11 में इस तरह का ये कैंप करना एक पहला कदम था, क्योंकि इस तरह के कैंप जो है जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से अक्सर पंचायतों में किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने एक शुरुआत की है कि शहर में भी इस तरह के विधिक शिविर जो है वो आयोजित करें। तो इसी सिलसिले में हमने आज कैंप यहाँ पर किया है। तो इन कैंपों का ये रहता है कि इसमें हमने जो लोग आए होते हैं उनको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो कानून उनकी काम आते हैं उनके बारे में हमने जानकारी देनी होती है, ताकि वो अपने इन जो कानून हैं जो उनके लिए बने हुए हैं उनका समुचित फ़ायदा उठा सके। इसमें हमने जो आज लोग आए हुए थे उनको हमने सूचना के अधिकार के तहत की जानकारी दी कि किस तरह से हम सूचना के अधिकार को अपना कर अपने जो कार्य हैं उनको जल्दी करवा सकते हैं। जो कार्य लंबित पड़े रहते थे कई लंबे समय से, अब सूचना के अधिकार ने एक ऐसी ताकत दी है जिससे हम जो है अपने कामों को जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो श्रमिक कल्याण बोर्ड से जो स्कीमें चली हुई हैं, जो भवन निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं, मिस्त्री हैं या आपके लेबरर हैं या प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, तो उन सबसे हम सबका हमने आह्वान किया कि वो उस श्रमिक कल्याण बोर्ड की जो भवन निर्माण से जुड़ी हुई स्कीमें हैं उनमें जुड़े और अपना पंजीकरण जो है वो श्रम अधिकारी के पास करवाए और जो स्कीमें चली हुई हैं उनका समुचित फ़ायदा उठाए। इन स्कीमों के तहत कहीं पर उनको बच्चों को उनके बच्चों को के बीमे की है या उनके एजुकेशन का है या उनका अगर बीमार हो जाते तो उसके लिए भी उनके लिए मदद है, या इंडक्शन दिया जाता है, कईयों को बाइसिकल दी जाती है। ये सारी तमाम जितने भी स्कीमें हैं ये मज़दूरों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन आलम यह है कि मज़दूरों को इन स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है। तो इन शिविरों में हमारा ये कोशिश रहती है कि लोगों को हम बताएं कि कौन कौन सी स्कीमें जो है सरकार की ओर से आपको शुरू की गई हैं और उसके लिए वो निश्चित जो पंजीकरण है उसको करवाएँ। सर, इस शिविर की अध्यक्षता किसने की? ये जो शिविर आज टारना मोहल्ला में टारना के मंदिर में जो सराय में आयोजित हुआ, इसकी अध्यक्षता हमारे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो के शर्मा जी हैं, वो अभी उन्होंने हाल ही में मंडी में ज्वाइन किया है, तो उनकी अध्यक्षता में ये शिविर आयोजित हुआ जिसमें हमारे जो वार्ड पार्षद है बंसी लाल जी वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा करीब 100 टारना मोहल्ला के 100 के करीब लोग जो थे इस शिविर में आए थे और उन्होंने बड़े ध्यान से अपने इन कानूनी जानकारियों को सुना और उसके ऊपर अमल करने की उन्होंने मन बनाया है। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और संस्कृत महाविद्यालयों में एडमिशन एग्जामिनेशन और छुट्टियों का शेड्यूल तय हो गया है। सत्र 2016-17 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बीते साल के मुकाबले प्रवेश लेने के लिए 5 दिन कम मिलेंगे। वहीं कॉलेज में 21 से 25 जून तक फॉर्म जमा करवाने होंगे और 30 जून के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और संस्कृत महाविद्यालयों में एडमिशन एग्जामिनेशन और छुट्टियों का शेड्यूल तय हो गया है। कॉलेज में 21 से 25 जून तक फॉर्म जमा होंगे और बीते साल 11 से 20 जून तक फॉर्म जमा हुए थे, लेकिन इस साल 26 और 27 को मेरिट लगेगी। वहीं 28 से 30 जून तक फीस जमा होगी और 30 जून के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार ने शनिवार को एडमिशन और छुट्टियों का शेड्यूल तय करने वाली अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी देते हुए कॉलेज प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्धारित शेड्यूल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। प्रिंसिपलों को आदेश दिए गए हैं कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक सप्ताह में मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषयों का टाइम टेबल अनिवार्य तौर पर प्रदर्शित किया जाए। वही शैक्षणिक सत्र 2016-17 के दौरान कॉलेज में 65 दिन की छुट्टियां रहेंगी। वहीं 1 से 20 जून तक 20 दिन और 28 से 31 अक्टूबर तक 4 दिन और 1 जनवरी से 10 फरवरी तक 41 दिन की छुट्टियां रहेंगी। कॉलेज के पहले तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की कक्षाएं 1 जुलाई से 14 अक्टूबर तक चलेगी और 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। वहीं 15 से 23 नवंबर तक मूल्यांकन होगा। दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं 24 नवंबर से 31 दिसंबर और 11 फरवरी 2017 से लेकर 28 फरवरी और 1 मार्च से 14 अप्रैल तक कुल मिलाकर 101 दिन तक कक्षाएं चलेंगी। 15 अप्रैल 2017 से 20 मई तक प्रैक्टिकल और परीक्षाएं होंगी। वहीं 21 मई से 31 मई तक मूल्यांकन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार के चैनल के इस बुलेटिन में जारी है। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल, नियर पुलिस थाना मंडी। क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? जी हाँ, GGP ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांटवा रोड। नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। नूर होम्स, GGP बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, खरड़ लांटवा रोड, मोहाली। जिला सिरमौर में प्रदेश की पहली काउ सेंचुरी बनेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। काउ सेंचुरी बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है और सभी प्रयास सफल रहे तो जल्द ही जिला सिरमौर प्रदेश में पहली काउ सेंचुरी के लिए जाना जाएगा। कालीस्थान मंदिर समिति ने गौ सदन के निर्माण के लिए सैनधार क्षेत्र के रजौली में 60 बीघा जमीन दान की है। वहीं जिला प्रशासन का प्रयास भी है कि जल्द ही इस जमीन पर सेंचुरी का कार्य शुरू हो। काउ सेंचुरी बनाने के लिए प्रपोजल भी मिल चुकी है। दरअसल बेसहारा पशुओं की रोकथाम के मकसद से गठित समन्वय समिति ने सैद्धांतिक तौर पर इस भूमि में काउ सेंचुरी स्थापित करने का फैसला लिया है। यदि गाय सेंचुरी को स्थापित करने के प्रयास कामयाब होते हैं तो यहां करीब 300 से ज्यादा पशुओं को प्राकृतिक वातावरण में रहने का अवसर दिया जाएगा। सेंचुरी बनाने के मापदंडों के अनुसार बेकार पड़ी जमीन का इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते कि इसे चरागाह के तौर पर विकसित किया जा सके। इसका संचालन गैर सरकारी संगठनों को देने का प्रावधान भी है। उधर DC सिरमौर PC बडालिया ने बताया कि रजौली गांव में कालीस्थान मंदिर समिति नाहन द्वारा दान की गई 60 बीघा भूमि पर एक भव्य गौ सदन का निर्माण किया जाएगा। इसमें लावारिस पशुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भूमि का हस्तांतरण माता बाला सुंदरी मंदिर न्यास त्रिलोकपुर के नाम किया जाएगा। इसके बाद न्यास के द्वारा इस भूमि पर आधुनिक तकनीक से गौ सदन निर्मित किया जाएगा।
पशुपालन विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर नीरू शबनम ने बताया कि 60 बीघा भूमि पर गाय सेंचुरी स्थापित करने का प्रयास है। इसकी प्रपोजल मिल चुकी है। इसमें लगभग 300 गवों को खुले में छोड़ा जा सकता है। इस बारे में योजना बनाई जा रही है। जल्द ही जिला प्रशासन की टीम भी स्थल का दौरा करेगी। योजना पूरी तरह से पाइपलाइन में है। सिरमौर जिला में कुल 283,184 पशु हैं। इनमें से अब तक 2,70,000 पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिला सिरमौर में प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी बनेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। काऊ सेंचुरी बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है। सभी प्रयास सफल रहे तो जल्द ही जिला सिरमौर प्रदेश में पहली काऊ सेंचुरी बनाने के लिए जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीती शाम को चौहाटा बाजार मंडी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला की छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां पेश की। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों ने बेहतर कार्य किया है और बच्चों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। आज हमारे बच्चों का इधर छोटा में सैटरडे कल्चरल इवनिंग परफॉर्मेंस बच्चों ने परफॉर्म किया। हमारा इस पे बेसिक जो थीम है कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस थे मैक्सिमम बच्चों के अपना वोकल गाना या डांस तो उस पे जैसे करते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों का हमारा वोकल बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट्स खुद प्ले करना, तो दैट इज़ कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। और कुछ एक जो सॉन्ग थे वो थीम ओरिएंटेड, जैसे सोशल सामाजिक संवेदना जिसे हम कहेंगे पेट्रियोटिक या जैसे देशभक्ति से। कुछ एक बच्चों ने रिलीजियस करे, जैसे बच्चों ने स्टार्टिंग करा शिव स्तुति से, तो आई फेल्ट वेरी प्लेजेंट। इससे बच्चों में एक बहुत एक्साइटमेंट थी। इस परफॉर्मेंस के लिए बच्चे काफ़ी समय से कॉन्टीन्यूसली हम तैयार कर रहे हैं, तो जब उनकी प्रैक्टिस में हम बार बार रिटेक करते तो एक चीज़ उनको हम कन्वे कर पाए कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए रिपीटेड प्रैक्टिस, नो अल्टरनेट, रिपीटेड प्रैक्टिस इज द लास्ट अल्टरनेट टू गेट सक्सेसफुल। और बच्चों ने बहुत जी जान से मेहनत किया और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। अभी क्लाइमेट की वजह से जब कैंसिल हो गया तो बच्चों का बिल्कुल ऐसे रोना वो शुरू हो गया। अब जस्ट पौने छः महीने फिर से इसको किया। मेरा मानना है कि बच्चे से बहुत एक्सपोजर मिलता है और बच्चों में जो भी टैलेंट है उसको डेवलप करने में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी तक हमारे गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस मैंने देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि जिन बाकी सब करते हैं तो हमारे बच्चे भी इतना सोचते बहुत अच्छा इन्होंने किया। अभी फिर से वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज।
और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। कई बार लोग अपने व्यवसाय और निजी नंबर को अलग अलग रखते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप भी अलग अलग रखने का प्रचलन बढ़ गया है। ऐसा करने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और स्मार्टफोन की सेटिंग में थोड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन एक बार आपने ऐसा कर लिया तो एक ही ड्यूल सिम वाले स्मार्टफोन पर दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकेंगे। व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला फ्री मैसेज सर्विस है। 100 करोड़ लोग से भी ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं और भारत में अब करीब 10 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉइड फोन भारत में काफी पसंद किया जाता है और 80% से ज्यादा लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन ही इस्तेमाल करते हैं। ड्यूल सिम वाले फोन भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं। बड़े और छोटे शहरों में सभी लोगों के पास ऐसे फोन आपको मिल जाएंगे। कई बार लोग अपने काम और निजी नंबर को अलग रखते हैं, इसलिए व्हाट्सएप भी अलग अलग रखने का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसा करने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और स्मार्टफोन की सेटिंग में थोड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन एक बार आपने यह बदलाव कर लिए तो एक ही ड्यूल सिम वाले स्मार्टफोन पर दो व्हाट्सएप अकाउंट चला सकेंगे। आइए बताते हैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका। इसके लिए आपको ड्यूल सिम वाला स्मार्टफोन चाहिए और उस पर दो एक्टिव मोबाइल नंबर। डेटा सर्विस एक पर भी एक्टिव हो तो ये दोनों आपके लिए काम करेंगे। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ पर सेटिंग को चुनिए और फिर चैट सेटिंग को चुनिए। इसके बाद बैकअप चैट पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके सभी मैसेज का एक बैकअप तैयार हो जाए। अब समय है अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाने का और सेटिंग में ही जो ऐप का विकल्प है उसे चुनिए। वहीं पर व्हाट्सएप को चुन लीजिए और क्लियर डाटा के विकल्प पर क्लिक कर दीजिए और उसे ओके कर दीजिए। अब अपने डिवाइस के फाइल एक्सप्लोरर पर जाइए और व्हाट्सएप फोल्डर में पहुंच जाइए। वहां पर ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसका नाम बदल कर ओजी व्हाट्सएप रख दीजिए और फिर ओके कर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर से सेटिंग पर जाना होगा, उसके बाद ऐप और फिर व्हाट्सएप। इसके बाद और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद ओजी व्हाट्सएप को इस लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे लॉन्च कर दीजिए और इंस्टॉल करते समय जो आप पहले मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे थे उसे लिख दें। उसके बाद अपने पुराने चैट के बैकअप को आप रिस्टोर कर पाएंगे। अपनी सेटिंग को पूरा करने के बाद आपके पुराने नंबर का व्हाट्सएप काम करने लगेगा और अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पर आप ओजी व्हाट्सएप नाम के दो आइकन देख सकेंगे। अब अपने स्मार्टफोन के दूसरे नंबर के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जब उसमें अपना नंबर देने के समय आएगा तो वहाँ अपना दूसरा नंबर एंटर कर दीजिए। हो सकता है आपको अपना वेरिफिकेशन कोड भी एंटर करना पड़े। अगर आप ये वेरिफिकेशन कोड नहीं चाहते हैं तो व्हाट्सएप से कॉल का विकल्प भी चुन सकते हैं। ये कॉल के समय जो 6 डिजिट्स का वेरिफिकेशन कोड आपको बताया जाता है उसे आपको एंटर करना होगा। उसके थोड़ी देर के बाद आपका दूसरा नंबर वाला व्हाट्सएप काम करने लगेगा और दोनों व्हाट्सएप नंबर के अकाउंट के आइकन अलग अलग होंगे। ऐसा करने के बाद आप दोनों नंबर के व्हाट्सएप को अलग अलग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।